ब्लैक होल इस कंसेप्ट के बारे में बहुत से लोग फैसिनेटेड होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल ये आउटर स्पेस का सबसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है और लोग इस बारे में जानना चाहते हैं। तो चलो आज हम ब्लैक होल के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ये स्पेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस है जहाँ ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि इस ब्लैक होल से लाइट भी पास नहीं होती, और अगर लाइट ही पास नहीं होती तो लोग इन ब्लैक होल्स को देख भी नहीं सकते। ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब कोई स्टार मर जाता है। यूजुअली जब स्टार मरते हैं तब वो बर्स्ट होकर छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाते हैं, पर कभी अगर वो स्टार बर्स्ट नहीं हुआ तब वो खुद को ही कंज्यूम कर लेता है, और जिससे ग्रेविटी भी उसमें ऐड होते जाती है, और जैसे जैसे ग्रेविटी इंक्रीज होती है वैसे वो और भी डेंस होता जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन पहले थे जिन्होंने 1916 में ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन ब्लैक होल ये टर्म बहुत सालों के बाद 1967 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जॉन व्हीलर ने सामने लाया था। उसके बाद 1971 में पहला फिजिकल ब्लैक होल स्पॉट किया गया। फिर 2019 में द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप ने सबसे पहला ब्लैक होल का इमेज रिलीज किया था। ये ब्लैक होल उन्होंने गैलेक्सी M87 के सेंटर में देखा था। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने तीन टाइप के ब्लैक होल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो है स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स तब फॉर्म होते हैं जब बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स होकर खुद को कंप्रेस कर लेता है। फिर है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा ब्लैक होते हैं और हमारे सन से मिलियन और बिलियन टाइम्स ज्यादा बड़े होते हैं। तो अब आप सोच ही सकते हो कि वो कैसे दिखते होंगे। लास्ट है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। साइंटिस्ट को लगा था कि ब्लैक होल्स सिर्फ स्मॉल या फिर लार्ज साइज में ही होते होंगे, लेकिन रीसेंट रिसर्च से ये रिवील हुआ है कि मिड साइज ब्लैक होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल्स ये यूनिवर्स के सबसे हानिकारक ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। एस्टेरॉयड, प्लैनेट या फिर और कोई भी चीज जो इस होल के नजदीक होती है उसे ब्लैक होल अंदर खींच लेता है और वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कोई भी चीज ब्लैक होल से फिर से वापस बाहर नहीं आ सकती। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। अगर ब्लैक होल्स बढ़ते रहे तो पूरा यूनिवर्स ब्लैक होल से ही भर जाएगा, और जिससे हमारे प्लैनेट को धोखा हो सकता है। 1971 में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस ऑफ वैक्यूम पर बेस्ड थी, और इस थ्योरी को हॉकिंग्स रेडिएशन भी कहा जाता है। ये थ्योरी हमें ये बताती है कि एक टाइम के बाद ब्लैक होल एक एक पार्टिकल इवेपोरेट करते जाएगा, और वो भी काफी स्लो रेट पर, और जैसे जैसे ये ब्लैक होल छोटा होते जाएगा वैसे ही एक पॉइंट पर आकर वो यूनिवर्स में बर्स्ट हो जाएगा। अगर ब्लैक होल के बारे में आपको कोई और नॉलेज है तो वो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।